हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं 8.1 का। हमें दे रखा है sec थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य त्रिकोण के अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन हमने उदाहरण के तौर पे किया था, तो इसको निकाल लेते हैं। sec थीटा बराबर 13/12। sec थीटा क्या होता है? ये देखो, कर्ण बटा आधार बराबर कर्ण बटा आधार। हमें कर्ण और आधार दे रखा है, लंब ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमने त्रिभुज बना दिया ए बी सी। बी कोण समकोण हो गया, सी कोण को थीटा कोण दे लेते हैं। ये लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है? लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर, लंब ज्ञात करना है और आधार हो गया 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। माइनस इसको इधर ले जाएंगे, 12 का स्क्वायर 144 बराबर लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर 25, लंब आ जाएगा हमारे पास 5। लंब आ गया 5 हमारे पास, आधार 12 दे रखा है, कर्ण 13 दे रखा है, तो हम बाकी के त्रिकोण मिति अनुपात नहीं निकाल सकते क्या? तो देखो, साइन साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 5। कर्ण कितना है? 13। फिर देखते हैं कोस थीटा। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13। फिर आता है टेन, टेन थीटा। टेन होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है? 5। आधार कितना है? 12। फिर कोट, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार कितना है? 12। लंब कितना है? 5। सेक थीटा आपने दे रखा है और कोसेक थीटा निकाल देते हैं। कोसाइन थीटा क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है? 13। लंब कितना है? 5। ये हमने निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन की तरह ये उदाहरण भी किया था, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। हमें दे रखा है कोस ए बराबर है कोस बी के, और कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो पहले दो त्रिभुजों की रचना कर लेते हैं। इसमें कोण ए और कोण बी दे रखा है, तो हमें त्रिभुज भी एबीसी ही लेना पड़ेगा दोनों में ही। ए बी सी दोनों में ही बी कोण समकोण है। ओके सॉरी, बोला है कॉस ए बराबर है कॉस बी के, कॉस ए बराबर है कॉस बी के। इस त्रिभुज में न्यून कोण है ये ए, और इस त्रिभुज में न्यून कोण है बी। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। हमें दे रखा है कोस ए बराबर है कोस बी के। तो कोस ए क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार, इसका आधार क्या होगा? ये लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण, ये लंब, आधार, कर्ण। कोस ए, इस त्रिभुज में कोस ए के अनुसार आधार बटा कर्ण कौन सा होगा? ए सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी बराबर कॉस बी। इसमें आधार क्या होगा? बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अब इसमें क्या दिख रहा है? आधार में दोनों साइड समान है, ए बी बुझा, तो कट जाएगी। हमारे पास आ गया ए सी बराबर है बी सी के। ए सी बराबर है त्रिभुज दूसरे के बी सी के बराबर, यानी इसका आधार और इसका आधार दोनों बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर है, तो कौन से त्रिभुज हो गए? समद्विबाहु त्रिभुज हो गए।
अगर ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके कोणों का भी कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन होती है कि उनकी भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज हो गए समद्विबाहु त्रिभुज, तो उनके कोण भी बराबर होंगे। कोण ए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है त्रिभुज ए बी सी के, तो कोण ए बराबर होगा कोण बी के। पता चला कुछ? ऐसा ही हमने उदाहरण किया था, उदाहरण नंबर दो, उसमें हमें ए बी सी और पी क्यू आर दे रखा था, हमें कोण बी और कोण क्यू ज्ञात करना था, तो उसमें हमने क्या किया था, आयताकार उपमाओं की प्रमेय की सहायता से सॉल्व किया था। लेकिन इसमें हमें सेम ही ए बी सी दे रखा है कोण त्रिभुज, तो हमें ये सेम भुजाएं पड़ जाएगी, तो सीधा ही आ रहा है भुजाओं का अनुपात हमारे पास बराबर आ रहा है, तो ज्यादा लंबा क्यों खींचे इसको, ये आपका हो गया।